मंच पर प्रस्तुति देनी आनी चाहिए। अगर ये भाड़ा है उनके दिमाग में, ये बल है, तो आप मानिए विश्वास कि आपका बच्चा कहीं भी है अपनी बात रखेगा, कभी किसी भी दबाव का शिकार नहीं होगा। इसी स्वागत के साथ, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे तेजस राज सिंह का, जो आए और अपना भाषण प्रस्तुत करें। तेजस राज सिंह यहाँ पर आप सभी आए हो लोगों को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तेज राज सिंह हूँ और आज मैं बाबा साहब के जीवन के बारे में दो शब्द बोलूंगा। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक विश्व स्तरीय विधिवेत्ता, भारतीय संविधान के निर्माता यानी कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और आदिवासियों को सम्मानीय जीवन देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। बाबा साहब इनो बोर्ड में सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले गैर कांग्रेसी नेता थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू के एक आसपासी परिवार में हुआ था। वे कुल 64 विषयों में मास्टर थे। मुंबई विश्वविद्यालय ने बाबा साहब को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। आइए आपको इनके जीवन के बारे में दो शब्द बोलते हैं। नाम बाबा साहब, राष्ट्रीयता भारतीय, पिता रामजी मालोजी सपकाल, माता भीमाबाई, मृत्यु 6 दिसंबर 1956। इनकी मृत्यु केवल 65 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। पत्नी रमाबाई, इनका विवाह उनके साथ 1906 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1935 में हो गई थी। बाबा साहब की शैक्षणिक डिग्रियां थी, मुंबई विश्वविद्यालय से बीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, एलएलडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी, ग्रेजुएशन बैरिस्टर इन लॉ। वे जिस सामाजिक संगठन के हिस्सा थे वे हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल। वे अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनका वास्तविक सरनेम अंबावडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे, ने स्कूल रिकॉर्ड्स में अपने नाम के अनुसार उनका नाम अंबेडकर कर दिया। वे विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी अर्थात डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर ऑफ साइंस नामक अनमोल पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए खूब प्रयास किया, लेकिन वे अब तक सफल नहीं हो पाए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले डॉक्टर अमर्त्य सेन भी बाबा साहब को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। उन्होंने 21 वर्ष तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 माह में ही खत्म कर दी थी। उनके अपने 8,50,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्माकरण था। बाबा साहब को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलाने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बौद्ध कहा। दुनिया भर में जितनी भी प्रतिमाएं बनी हैं, उन सभी प्रतिमाओं में बाबा साहब, उन सभी प्रतिमाओं में गौतम बुद्ध की आंखें बंद थी, लेकिन बाबा साहब ने जो पहली प्रतिमा बनाई थी उसमें गौतम बुद्ध की आंखें खुली थी। बाबा साहब 64 वर्ष और 9 भाषाओं के जानकार थे। वे 9 भाषाएं हैं, हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, गुजराती, मराठी, पर्शियन जैसी 9 भाषाएं, और उनके पास 32 डिग्रियां भी थी। उनके द्वारा लिखी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उसमें बाबा साहब का नाम सर्वोच्च था। महात्मा गांधी का कहना था कि वे 500 स्नातकों और 1000 विद्वानों में भी अधिक बुद्धिमान हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा भाषण पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए, लगातार वक्त से तीन बार जोरदार तालियां, फिर से एक बार जोरदार तालियां होने चाहिए। और मैं मित्र अपने छोटे बंधु से कहूंगा, आपके लिए उत्कृष्ट पुरस्कार आया है, 100 रुपए आपको धर्म दान दिया है वृंदावन जी ने, 100 रुपए दिया है अध्यक्ष महोदय रामकृष्ण अमीन साहब ने, 100 रुपए दिया है राम नारायण अमीन साहब ने, 50 रुपए दिए है आपको प्रांशु आई की ओर से, और 100 रुपए आपको रवि त्यागी जी ने दिए हैं, 100 रुपए पूरन सिंह ने दिए, आपकी सप्रेम बहन जानती है। और एक बार इनके जोरदार इस बात के लिए ताकत बनाई है कि बोलने का लहजा और लय देखिए कितना सुंदर लहजा इस छोटी उम्र में देखने को कम मिलता है। एक बार पुनः इनके लिए जोरदार प्रस्तुति के लिए इनके छोटे भाई 100 रुपए टीटू भाई साहब के लिए अग्रेन की ओर से भी आपके लिए रहेगा। और इनके छोटे भाई, मैं नाम बोल गया हूँ,